आज की इस अनोखी कहानी में वो सब कुछ है जिसे देखकर कोई भी डर जाए, किसी की भी रूह कांप जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ट्राइवस यानी टेरी से, जो एक कॉमिक आर्टिस्ट था। यह रोमी टेरी का गहरा दोस्त। वो अपनी मुझे ढूंढ रहा था जो टेरी के पास थी। टेरी एक जाना माना कॉमिक आर्टिस्ट था जो आज अपनी नई कॉमिक रिलीज कर रहा था और जिसे देखकर लोग काफी खुश थे। यह एमी टेरी की दोस्त। दोनों मन ही मन एक दूसरे को काफी चाहते थे। टेरी उसे भी अपनी नई कॉमिक का अंक देता है। दरअसल टेरी अपनी कॉमिक्स में उन लोगों का मजाक उड़ाता था जो क्राइम करते थे और पुलिस से बचे हुए थे। टेरी अपनी कॉमिक्स में अक्सर बदमाशों का ही स्केच बनाया करता था। एमी एक पत्रकार थी। उसे अभी अभी एक फोन आता है जिसके बाद वो नई स्टोरी कवर करने चली जाती है। कुछ देर बाद टेरी अपने घर में बैठा पीसी पर काम कर रहा था। वहीं रोमी बैठा गेम खेल रहा था। टेरी कीबोर्ड से जो भी टाइप करता उसका पीसी वही बोल रहा था। इसी बीच टेरी को एमी का फोन आता है और दोनों मिलने का फैसला करते हैं। टेरी जैसे ही बाहर निकलता है तभी उसके सामने एक नकाबपोश आता है। दरअसल टेरी को कई बदमाशों ने घेर लिया था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी उस पर जोरदार वार होता है जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद टेरी का चेहरा कवर किया हुआ था। फिर उसे होश में लाकर एक चेयर पर बिठाया जाता है। अब डॉन फोंग उसके पास आकर कहता है, तुमने अपनी कॉमिक में मेरा बहुत मजाक उड़ाया, चलो इस कॉमिक पर मुझे ऑटोग्राफ दो। टेरी उसकी बात मान जाता है जिसके बाद फोंग कहता है, ये दाएं हाथ से काम करता है। तभी बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और फोंग कहता है, जिस हाथ से तुमने मेरा मजाक उड़ाया मैं उसे काट दूंगा। इसके बाद बदमाश कटर से टेरी का हाथ काट देते हैं। बेचारा टेरी दर्द से तड़प जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। अब एक बदमाश कहता है, अब छोटे भाई को अलविदा कहो। ये कहकर वो उसका हाथ दूर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टेरी हॉस्पिटल में था, जहाँ पुलिस ऑफिसर जैक उससे सब जानना चाहता था, लेकिन टेरी उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने मुंह खोला तो फोंग उसे जान से मार देगा। दरअसल कल रात की घटना के बाद टेरी बहुत डर गया था। कुछ दिनों बाद टेरी अब अपने घर आ चुका था। हाथ कटने के बाद उसकी जिंदगी काफी बदल गई थी। टेरी निराश होकर दिन रात दारू पीता रहता था। इसी बीच एक रात वो एक बार में जाकर दारू पीता है। वो जब बारटेंडर से और दारू मांगता है तो वो उसे चले जाने को कहती है। अब टेरी पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो एक जगह पर उल्टी कर देता है। इसी जगह के नीचे उसका कटा हुआ हाथ पड़ा था। अब टेरी तो चला गया था लेकिन उसका हाथ जिंदा हो चुका था। जी हाँ, टेरी का कटा हुआ हाथ जो अब जिंदा होकर उसके घर तक पहुंच गया था। टेरी इस वक्त गहरी नींद में था जबकि उसका हाथ अपनी जगह पर नए हाथ को देखकर हैरान था। अगले दिन सुबह टेरी नींद से जागता है, तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है जो पीसी पर कुछ टाइप कर रहा था। वो जो भी टाइप करता पीसी वही बोलता। पीसी से आवाज आती है, मैं तुम्हारा हाथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह कॉमिक्स पर काम करो। लेकिन डरा हुआ टेरी उसकी बात नहीं मानता। थोड़ी ही देर बाद हाथ स्केच बनाने लगता है ताकि टेरी किसी तरह उसकी बात मान जाए। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन टेरी फिर से कॉमिक्स पर बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। आखिर में टेरी को इतना गुस्सा आता है कि वो हाथ को अपने घर से बाहर फेंक देता है। उसी रात फोंग के ग्रुप का बदमाश ली अपने दोस्त के साथ अपने घर आता है। हाथ ने उसे पहचान लिया था। थोड़ी ही देर बाद वो उसके कमरे में जाकर पहले उसे बांधता है जब वो सो रहा था, फिर वो उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है। अगले दिन जब दूसरा बदमाश जेन ली के घर आता है तो ली की लाश देखकर बहुत हैरान होता है। वो जाकर सारी बात फोंग को बताता है जिसके बाद फोंग कहता है, ये काम उसी का है जिसका हमने हाथ काटा था, वो हमसे बदला लेना चाहता है।
जाओ जाकर उसे और उसके दोस्तों को उठा लाओ। उधर हाथ टेरी के सामने वही चाकू रख देता है जिससे उसने ली को मारा था। फिर हाथ पीसी में टाइप करता है और आवाज आती है, हमें साथ मिलकर बदला लेना चाहिए। लेकिन टेरी कोई बदला नहीं लेना चाहता था। वो डर कर अपने घर से भागना चाहता था ताकि फोंग उसे पकड़ ना सके। उसी रात जब एमी अपने घर आती है तो येन उसका स्वागत करता है। उसने एमी को डराने के लिए एक लड़की का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। फिर वो रोमी के पास जाकर टेरी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। शहर के एक बार में आज डीमो ने एक आदमी को बांध रखा था। ये बार डीमो का ही था। इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक वो कहता है, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ विल। उधर भाग रहे टेरी पर बॉब की नजर पड़ती है। टेरी भागकर डीमो के बार में आ जाता है। अब बॉब भी अपने हथियार के साथ अंदर आ चुका था। उसे रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन बॉब पर तो खून सवार था। वो टेरी को हर हाल में मारना चाहता था ताकि वो फोंग को खुश कर सके। टेरी भागता भागता विल के पास आता है और उसी पल बॉब गलती से विल को मार देता है। फिर वो टेरी को भी मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। दरअसल हाथ ने बॉब को जकड़ लिया था, जिसके कारण बॉब दर्द से तड़प गया था। अब डीमो भी वहां आ गया था और उसके सामने ही हाथ बॉब का गला काट देता है। डीमो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। विल की मौत देखकर वो गुस्से में था। अब वो टेरी से कहता है, बॉब तो फोंग का आदमी था, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, ये हाथ कैसे जिंदा है। टेरी कहता है, ये हाथ मेरा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे जिंदा है। इतना कहकर वो भाग जाता है। अब डीमो हाथ से कहता है, तुम छोटे हो लेकिन काम के हो, हम मिलकर काम करेंगे, चलो मेरे साथ आओ। उधर टेरी डीमो के कमरे में आ चुका था। तभी डीमो अंदर आकर कहता है, हमें बदला लेना चाहिए, फोंग के आदमी ने मेरे बार में आकर खून खराबा किया, मैं अपने आदमियों की जान का जरूर बदला लूंगा। फोंग ने तो तुम्हारा हाथ काट डाला था, तुम्हें भी जरूर बदला लेना चाहिए। इसके बाद हाथ भी उसे मनाता है और इस बार टेरी मान जाता है, जिसके बाद हाथ वापस उसके शरीर से जुड़ जाता है। इसके बाद डीमो और टेरी फोंग से बदला लेने जा ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें ऑफिसर फोंग रोकता है। वो फोंग से मिला हुआ था और डीमो पर गोली चलाता है। टेरी उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच टेरी का हाथ फिर से अलग हो जाता है। फिर जैक टेरी के हाथ को दूर फेंक कर टेरी को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जैक टेरी को फोंग के पास लाता है। फोंग सबसे पहले टेरी के सामने रोमी का गला काटता है ताकि टेरी तड़प उठे। फिर वो कहता है, अभी तो तुम्हारी दोस्त भी बाकी है। इसी बीच जैक वहां से चला जाता है, जिसके बाद फोंग अपने आदमियों से कटर मांगता है। दूसरी तरफ जैक जैसे ही बाहर आता है तभी डीमो से पकड़ लेता है। गजब की ताकत थी उसमें, उसने अपने हाथों से ही जैक को मार डाला था। अंदर फोंग टेरी और एमी को मारने ही वाला था कि तभी डीमो आकर कहता है, रुको वरना इसे मार दूंगा। एक बार तो फोंग रुक जाता है, लेकिन वो अपना गुप्त चाकू निकाल कर उसे डीमो पर मारता है। डीमो के अंदर भी बहुत ताकत थी, वो जल्द ही फोंग के आदमियों पर जोरदार वार करता है। फिर वो फोंग को भी मारने ही वाला था कि तभी येन जल्दी जल्दी उठकर पहले गन उठा लेता है। फिर वो डीमो पर वार कर उस पर गन रखता है। अब डीमो की जान खतरे में थी और तभी हाथ फोंग पर गोली चलाता है। डीमो भी मौके का फायदा उठाकर कटर से येन को काट देता है। इसके बाद वो टेरी और एमी को आजाद करता है। टेरी अभी डीमो का धन्यवाद कर ही रहा था कि तभी फोंग पीछे से डीमो पर कई गोलियां चला देता है। अब टेरी और एमी डरकर भाग रहे थे। वो फोंग से बचने के लिए एक जगह पर छुप भी जाते हैं, लेकिन फोंग उन्हें जल्द ही ढूंढ लेता है। वो टेरी को मारने ही वाला था कि तभी हाथ आकर फोंग को रोकता है। फोंग हाथ पर गोली चलाता है और तभी टेरी फोंग को पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच ताकत की जंग शुरू हो गई थी। इसी बीच टेरी पास पड़ा तेजाब उठाकर उसे फोंग के मुंह में फंसा देता है। फोंग के अंदर तेजाब चला गया था, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मरता है। कहानी के आखिर में फोंग की गोली खाकर हाथ बेजान हो चुका था, जिसे देखकर टेरी बहुत दुखी होता है। कुछ ही दिनों बाद टेरी और एमी साथ रहने लगते हैं।
हैं। टेरी फिर से कॉमिक्स पर काम करने लगा था। दूसरी तरफ हाथ आज भी जिंदा था। कौन था वो, कैसे जिंदा हुआ था, ये तो सिर्फ वही जानता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।